हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी कड़ाई की किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज़। ये बिस्किट्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इनको और हेल्दी बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी आटा, मैदा नहीं यूज़ करेंगे। तो आइए देखिए कैसे बनेगी ये बहुत ही सिंपल और बहुत बहुत टेस्टी रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ हेल्दी कड़ाई की वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आ रही होंगी। हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कुकीज़ बनाने के लिए हम लेंगे एक कप आटा, दो चम्मच सूजी के, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चम्मच कोको पाउडर, 60 ग्राम बटर, 3 बड़े चम्मच चीनी के, आधा चम्मच वनीला एसेंस और एक चम्मच दूध, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। हम छानेंगे आटा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर। ये हम इसलिए छान रहे हैं ताकि इसमें कोई लंप नहीं रहे। अब इसके अंदर हम मिला देंगे सूजी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक साइड रख देंगे। अब हमें क्रीम करना है बटर और चीनी को। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी ले सकते हैं बटर को क्रीम करने के लिए। मैं हैंड बीटर से ही इसको बीट करूंगी। इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से बीट करने के लिए। अब जैसे जैसे बीट करते रहेंगे आप देखेंगे कि बटर और ज़्यादा वाइट हो जाएगा। ये मिक्सचर बहुत लाइट और फ्लफी हो गया है। इसमें आप डालिए वनीला एसेंस और इसे एक बार और मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। हमें ये गूंदना नहीं है, इसको बस सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से, आपकी उंगलियों की मदद से भी इस मिक्सचर को मिक्स कर सकते हैं। अगर ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा पाउडरी है तो इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध डाल लेंगे, बट दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, इससे मिक्सचर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और कुकीज़ को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा पाउडरी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध मिला दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चॉको चिप्स। मैंने तकरीबन 60 ग्राम चॉको चिप्स लिए हैं इस मिक्सचर के अंदर। इसको भी मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए मेरा कुकीज़ का मिक्सचर तैयार है। इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए हमारा मिक्सचर फर्म हो गया है। अगर आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए तो इसे आप तोड़ लीजिए। और अब हम इसे कुकीज़ बनाएंगे। हमें बिल्कुल कुकीज़ शेप नहीं बनानी है, इस तरीके से थोड़ी सी रफ शेप देनी है। इसके ऊपर आप थोड़े से चॉको चिप्स भी चिपका लीजिए और इसी तरीके से हम सारी कुकीज़ तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब मेरी सारी चॉको चिप कुकीज़ तैयार है। आइए इन्हें अब हम बेक करते हैं। मैंने एयर फ्राई की बास्केट के अंदर कुकीज़ को लगा दिया है। इनके अंदर आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा। और एयर फ्राई मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब हम बेक करेंगे हमारी कुकीज़ को 160 डिग्रीज पे कम से कम 8 मिनट के लिए। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसे ओवन में या माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं। मैंने कुकीज़ को 9 मिनट के लिए बेक किया है और ये देखिए हमारी आटे से बनी हुई चॉको चिप कुकीज़ बिल्कुल तैयार है। आप इन्हें अच्छे से ठंडा कर लीजिए, उसके बाद ही बास्केट में से निकालिएगा। हमारी बहुत ही टेस्टी डिलिशियस आटे से बनी हुई चॉकलेट चिप कुकीज़ तैयार है। ये देखिए इनका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। ये कुकीज़ झटपट तैयार हो जाती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। और इनको आप ब्रेक करके देखिए, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट चॉकलेट चिप कुकीज़ है। एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को इनका फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। हमें बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर। और ऐसी और रेसिपीज़ देखने के लिए हेल्दी कड़ाई को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।